तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभी चाय पी रहा हूँ एंड आज है 23 जनवरी और हम लोग सोच नहीं रहे पर जा रहे हैं पैरेड देखने के लिए, जो 26 जनवरी से पहले होता है। तो अभी मैं दोस्त लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब जैसे वो आएंगे फिर हम चल देंगे यहाँ से। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे दोस्त के पास और ये आ गए क्या नाम है, अनमोल भाई। कैसे है अनमोल भाई? बढ़िया है एकदम, फटाफट। और ये हमने लिया है पास, कितना? ये वीआईपी पास है और बाकी सब स्टेज के बिल्कुल अपोजिट के पासेस है। हाँ, 14 नंबर। तो हम अभी जाने वाला है सीधा यहाँ पे रिपब्लिक डे पैरेड, जो फुल ड्रेस रिहर्सल होता है आज 23 जनवरी। तुम वहाँ जा रहे निकल के केजी मार्क। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ, अभी जा रहा हूँ यहाँ से और दोस्त है आने वाला है, उनको भी मीट करना है, फिर दिखाता हूँ आपको आज। फिर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे गेट है, तो उसके चक्कर में दूर दूर जाना पड़ रहा है। हम भाग रहे हैं अभी अपने गेट मिलने के लिए, पर अपने दोस्त के साथ पीछे छोड़ दिया। रजेश कुमार पुनिया माउंटेड ऑन गब्बर। किसी को नहीं पता होता? नहीं पता, नहीं फिक्स नहीं। इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टकेज हैज अराइव्ड। माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी शुभागमन थोड़ी देर में होने वाला। रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद जी का इस बार राजपथ पर दिखाई जा रही है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्राचीनतम से नवीनतम होने की गौरव यात्रा। आप देख सकेंगे पहले ऐसे ऐतिहासिक सैन्य उपकरण जिन्होंने हमें पूर्व के युद्धों में गौरवशाली जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई और बाद में आधुनिकतम हथियार और सैन्य उपकरणों की श्रृंखला दिखाई जाएगी। आयात और अन्य देशों पर निर्भरता से आत्मनिर्भर होने की कहानी और अब तो हम अन्य देशों में भी निर्यात करने लगे हैं। भारत पाक युद्ध में किया गया 1971 में पूर्वी थिएटर की पोगरा की जंग में अहम भूमिका रही। 69 आर्मर्ड रेजिमेंट का आदर्श एकता मान भी। In front of the saluting desk, we have tank centurion led by Captain Rahul Sharma of 17. तो है 75 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार के हाथों में अटूट टैंक के नए संस्करण में 70 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। पूर्ण स्वदेश आत्मनिर्भर, कोई भी टैंक या कवच इसकी मार से बच नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये टैंक रात और दिन दोनों समय। रवि कुमार, रेकग्नाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर।
The O-262 Topaz is a series of amphibious track armored person carriers. The lightweight APC played a pivotal role in 1971 war in the Western Theater. The obstacle crossing capability, along with its amphibious capability, helped the Indian troops to carry out swift maneuvers across the theater of operations, thereby maintaining surprise. Nedrito, 2C Battalion, the Brigade of Guards, most major state, Lieutenant Rushikesh Sata. 30mm cannon, 7.62mm coaxial machine gun, तथा anti-tank guided missile से सुसज्जित। इसमें अत्याधुनिक thermal imaging sight के प्रावधान के साथ रात in front of the Soviet desk, the detachment of 75 big 24 pack howitzer Mark 1. विजय का तिरंगा लहराया धनुष गन सिस्टम स्वदेशी आत्मनिर्भर और आधुनिक रेजिमेंट का आदर्श वाक्य व्यवसायिक था पूर्णता और गर्व Which was inducted in the Corps of Engineers in 1970s from Czechoslovakia, but now has been indigenized by Bharat Earth Movers Limited. Led by Lieutenant Siddharth Sinha, motto of the regiment is Padneri Portupalam. लेफ्टिनेंट दीपांशु लालन की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम भारत में निर्मित एक विशेष ब्रिजिंग इक्विपमेंट जैसा नाम वैसा काम जरूरत सामरिक परिस्थितियों में तीव्र गति से पुल बिछाने और हटाने का सामर्थ्य आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण रेजिमेंट का आदर्श सदा आगे सबसे आगे सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला भाग पूर्व सिग्नल के सबसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हंगेरियन टेक्नोलॉजी 16 नेतृत्व 14वीं बटालियन के कैप्टन गणेश नन्ना बारे द्वारा भारतीय सेना का पहला इंटीग्रेटेड ईडब्ल्यू सिस्टम जिसने पिछले 3 दशकों से हमारी युद्ध क्षमता को सशक्त बनाते हुए ऑपरेशन राइनो ऑपरेशन विजय ऑपरेशन पराक्रम जैसे हर रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके साथ ही दूसरा वाहन नवीनतम एवं अत्याधुनिक ईडब्ल्यू सिस्टम तरंग शक्ति का नेतृत्व 111 वर्षों का गौरवशाली इतिहास पूर्व सिग्नल ने दोनों विश्व युद्धों के अलावा आजादी 1971 इंडो पाक वॉर एयर डिफेंस आर्टिलरी वाज सब्सटेंशियली मॉडर्नाइज्ड विद द इंडक्शन ऑफ टाइगर कैट मिसाइल सिस्टम इन 1970 दुश्मन के जहाजों पर प्रहार करके नष्ट कर सकता है ये प्रणाली की खासियत यह सीधा जाट का उदाहरण यह हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों में ही शामिल की जा चुकी है आर्मी एयर डिफेंस का आदर्श वाक्य आकाश शत्रुंजय है अप्रोचिंग द सलूटी डे आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप भारतीय थल सेना के पिछले 75 वर्षों मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के सुमेदार कुमार कुमार मराठा लाइव इंफेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के जी आर एफ स्वामी कुमार Led by Captain Gaurav Rana of 14th Battalion Infantry, led by Major Supreme. आदर्श देश से पतन यानी शांति समृद्धि और Fighting soldiers with their war assault rifles fitted with day and night vision devices. Ladies and gentlemen, we have the maroon wearing the picture to see. Officer Ashok Kumar.
first woman fighter pilot of the Rafale aircraft. There are role played by B-21s during the airstrike at Dhaka. In the key लड़ाइयां ने फौजें अपनी शिकस्त सफों को जमाए, फतेह और कामरानी के ढंग के बजाय दो पे जमहूरियत की सलामी उतारे। हमारा LCA तेजस स्वदेशी आयुध प्रणाली भारत के माथे पर तेज की चमक। LCA स्वदेशी तौर पर विकसित चौथी AIB is an advanced technology developed by DRDO, a silent power source to propel the naval submarines when submerged. With the use of AIB system, the submarine can remain submerged. We are the sentinels of our seas, the Indian Coast Guard, always ready, relevant and responsible. सोचे ऐसा क्या पर डाला लोहे से मजबूत शांतिपूर्ण मतदान कराने का श्रेय नक्सल को ना को चले चबाने में निपुण और बीजापुर राज्य बनने के 50 साल और महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकारी समितियों सेल्फ हेल्प ग्रुप के योगदान को दर्शन प्लास्टिक के आने से जमीन का टुकड़ा नहीं बीता जाता राष्ट्र पुरुष है ये चंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है ये तर्पण की भूमि है ये अर्पण की भूमि है देशवासियों अब आप वो देखने जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते जबरदस्त सलामी सिंगल मिली के साथ में आगे बढ़ रही है गजब के संतुलन के साथ हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई और अब हमारे सामने और अच्छा ये बताइए मैडम आपका जो हैंडल है वो आगे है या पीछे है पैडल पर सीढ़ियों पर चढ़कर ये ड्राइवर पार्क की पोजीशन और ये गर्मा गर्म चाय अगर ठंड में हाथ में आ जाए तो क्या बात है राजपथ और शांत सवारी है सभी भारतीय देश है
और अब वीरांगनाएं आगे बढ़ रही है। ये महिला शक्ति की परवाज है, भारत माता के पर विजयश्री का काज है। क्राउन पोजीशन में आगे बैठी हुई, इस तरीके से हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा गुणस्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही है। देखिए इसी दुनिया के साथ एविडेंस फॉर्मेशन के साथ भी फिट इंडिया के इरादे को बुलंद करती हुई हमारी बेटियां और खतरे से दो हाथ पड़ना इनका बाएं हाथ का ट्रेनिंग यही बताते हुए माइनस 30 डिग्री में राइफल टाइम से पहले निकलते हुए माइनस 45 डिग्री में ये घड़ी बल के तिरंगे के तार खस रहे होते हैं। और ये है लोकल फ्लाइंग और ये पवन चक्की और इसके साथ ही सिक्स मैन बैलेंसिंग के साथ ही एरो पोजिशन के साथ ही ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उसी हौसले के साथ में। और ये जैगुआर की पोजीशन है जिसके साथ में ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैगुआर की पोजीशन दुश्मन की चुनौती को चकना की जितनी निर्भरता है यही बता हर इरादों पर है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद के निगरबान में आके और अब पिरामिड फॉर्मेशन के आजादी के अंदर बहुत सारा भारत की एकता अखंडता को समर्पित सैनिक की सीमा सागर रहना हम भीतर देश बनाएंगे तो भारत के बेटे बेटी हमको रोकने वाली ताकत इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। तो आइए इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। कमीशन लेड बाय विंग कमांडर एचएस चीना। The other members of the commission, Wing Commander G.D. Kennedy, Wing Commander S. Shankar, Wing Commander J. Rathore, and Wing Commander M. Mandan. By the contract in a helicopter from one of the recent inductions, and there you can see Meghna Commission comprising one crew and 4B-17 helicopters. Commission led by Tiranga Formation. Thank you.